अदा के समझदार गे, हम के ठेकेदार गे, बड़े सिर्फ सालार गे, इस मिट्टी के गंदार गे, मुंसिफ गे, बार बार गे, इंसाफ के दावेदार गे, इस नाम निहाल में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के चाहने वालों, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह आपने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जमात का साथ निभाया, नवाज शरीफ का साथ निभाया और नवाज शरीफ के नजरिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि आगे बढ़ाया, मैं आप सबको दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। जज्बा है लेकिन मैं फिर तकरीर कैसे करूं, कैसे बात करूं, इतना जज्बा है, नारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, बहुत जरूरी बात है ये, वो ये कि मुस्लिम लीग के बारे में मशहूर था कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत बनाने वाले के साथ होती है। ये पहली बार है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुझे हाथ उठाकर बताओ, देखो आप लोग जरा खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं प्लीज, मुझे सिर्फ ये बता दो हाथ उठाकर, आप में से कौन कौन नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है, और अगर आप नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाले हो तो ये आप ये भी जानते हो कि नजरिया नवाज शरीफ क्या है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से प्यार करने वाला पाकिस्तानी नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है, और क्यों ना हो। नवाज शरीफ का नजरिया क्या है, जब भी तरक्की मुल्क की तरक्की की बात आती है नवाज शरीफ का नाम आता है या नहीं आता। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की बात होगी, जब भी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत की कुर्बानियां देने की बात होगी नवाज शरीफ का नाम आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपके हक की खातिर अपनी तीन हुकूमतें कुर्बान कर दी। और देखो लाहौर से मैं चली तो मुल्तान तक जो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैं सफर करके आई वो मोटरवे किसने बनाई, और फिर मुल्तान से सखर तक जिस मोटर पर और जिस शानदार मोटरवे पर मैं सफर करके आई वो किसने बनाई। तो इस मुल्क में तरक्की की एक एक ईंट पर एक शख्स का नाम है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ।